जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको नमस्कार। आज कनाडा हत्याकांड की इस श्रेणी में मैं आपको स्मारक बनाने का अनुरोध के बारे में बात करने जा रहा हूं। इतिहास अतीत का दर्पण है। इतिहास वेता में अगर ताकत है तो वह अतीत की घटनाओं को उसी तरह दिखा सकता है जैसे वह घटना घटी हो, तब हाजिर हो। हमारे देश में स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को दर्शाने वाले कितने स्मारक है। हां, अंग्रेजों की जीत को दिखाने वाले स्मारक जरूर है, जबकि भारतीयों के स्मारक में हल्दी घाटी का स्मारक, मानगढ़ का स्मारक, जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्मारक, दांडी स्मारक आदि है। अंग्रेजों ने अपनी वीरता और प्रशासन दिखाने के लिए काठियावाड़ में द्वारका और माछरड़ा में स्मारक बनवाए हैं। उसकी विजय गाथा की महिमा के लिए वहां विशाल ऊंचे ऊंचे स्तंभ खड़े किए गए हैं। हमारी आलस्य ज्यादा है और प्रचार प्रसार कम लगता है। क्यों हम काठियावाड़ ही लोग अपने इतिहास से वाकिफ नहीं है? ये कनाडा की पहाड़ी पर स्मारक बनाने की मांग अक्सर छोटे पैमाने पर उठाई जाती रही है। अखबारों में भी समाचार आते रहे हैं, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। इस श्रृंखला को देखने के बाद यदि आप सोचते हैं कि इस इतिहास को वास्तव में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, तो यहां एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से इस माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर आगे विचार करें, वहां एक भव्य स्मारक बनाया जाए, तो यह इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक यह जानने में सक्षम होगा कि स्वामान और स्वाभिमान किसे कहते हैं। ये महिया दरबार लोग पीछे नहीं हटे थे। आज मुझे सात समंदर के उस पार आधारभूत बातें 20 किस्तों में इन इतिहास को सुनाकर बहुत खुशी हो रही है। इस उम्मीद के साथ कि देशभक्ति की संस्कृति से प्यार करने वाले लोगों को तक ये बात पहुंचाइए, ये शब्द और ये भावुक मांगे पहुंचेगी। इस प्रकार ऐसे शब्द मैंने रखे हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन मैं यहां इन शब्दों को विराम देता हूं। लेकिन निष्ठुर आदमी को मेरे इन शब्दों बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। मैं शहीदों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब आप सभी को उठकर बोलना है, मांग करनी होगी। यह मत भूलो कि एक हाथ से आप कभी भी सराहना नहीं की जाएगी। इसलिए आप सभी का और सरकार श्री का समर्थन की जरूरत है। तो आप सभी लोग यह घटना के बारे में सोचे, समझे और अपने विचार को सरकार के सामने, संस्कृति प्रेमी लोगों के सामने, राष्ट्रवादी लोगों के सामने, अखबारों के सामने ज्यादा से ज्यादा रखिए और हमारे सौरठ की इस घटना की बात को याद बहुत बड़े पैमाने पे रखने के लिए एक कनाडा की पहाड़ी पर बड़ा स्मारक जल्दी बनाना चाहिए।